Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल. और आज हम फिर से देखने वाले हैं नंबर वर्क. इट्स मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 4 लेसन नंबर 2 नंबर वर्क एंड पार्ट 2. इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए हमने पार्ट 1 में कंसीडर कर दी इसको. और अभी ये नई वाली पार्ट 2 है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं, जरूर जाके चेक करना, है ना भाभी. करते हैं अभी इस वीडियो को शुरुआत. इससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolix.com, स्पोर्ट्स साइट funsports.com, मराठी विषय सर्वर का ही marathirang.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम क्राफ्ट चैनल और बाकी सब साइट्स, इनकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, वो भी जरूर जाके चेक करना. तो आज का लेसन है नंबर 10 तक हुआ है, यहाँ तक हमारा हुआ था करेक्ट, ये जो पार्ट 1 में. तो आज हम यहाँ पे देखेंगे पार्ट 2 की वीडियो में. यहाँ पे देखो लिखा है रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन फिगर्स. तो आपको नंबर्स रीड करने हैं. जैसे यहाँ पे क्या है भाभी, ये 40,000. तो इसको आपको नंबर में लिखना है. तो यहाँ पे 40,000 मतलब 4000. तो ये तीन नंबर्स आते हैं तो वो 100 तक, और उसके आगे ये 1000, और उसके बाद ये 10,000. तो ये हो गया 40,000. जैसे यहाँ पे कौन सा दिया है 50,050, तो ये 50,050 मतलब 50, तो ये 50,000 हो गए. और 50 चाहिए तो 100 के यहाँ पे कोई कुछ भी नंबर नहीं, उसके बाद 50. तो इस तरह से लिखना है हमें 50,050. ओके, तो लिखोगे यहाँ पे भी देखो क्या दिया है 12,313. तो ये लिख सकते हो आप 12,000. तो यहाँ पे 12,000 हो गया, 300 तो 100 प्लस पे आएगा 3 एंड 13 तो 13. तो ये इस तरह से आ गया वहाँ पे 12,313. बाकी सब लिख सकते हो आप, है ना. तो यहाँ पे अभी नंबर्स दिए हैं, मतलब नंबर में दिया है उसको हमें वर्ड्स में लिखना है, ठीक है भाभी. तो एक हम कौन सा ये वाला लिखेंगे 52,045. ओके, तो यहाँ पे 100 प्लस पे कुछ नहीं इसलिए 0. तो उसी प्रकार ये वाला क्या है 23,000. तो चलो हम लिखते हैं 23,000. 20 की स्पेलिंग आती है भाई आपको? Yes. बताओ. TWENTY. 23. तो 3 की स्पेलिंग लिखेंगे फिर 1000 SAND 1000. और आगे क्या लिखने के लिए बोला है भाभी? 409. तो 4 फिर 100 एंड AND 9, ठीक है. तो NINE हमारे लिए यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए इस तरह से हो रहा है 23,409. तो ये हमने इसके लिए लिखा है, राइट. तो यहाँ पे देखो 45,600, 41,000. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बाकी सारे 0. तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 41,000. ये देखो सबसे बड़ा नंबर आएगा क्योंकि ये 5 डिजिट का सबसे बिगेस्ट नंबर है, 99,999. करेक्ट. ये वाला क्या है 95,768. ओके, तो इस तरह से हमें समझ में आया कि पहला जो नंबर रहता है वो यूनिट प्लेस, सेकेंड वाला टेंस प्लेस, थर्ड वाला 100, फोर्थ वाला 1000 एंड फिफ्थ वाला 10,000. तो ये यहाँ पे समझा के दिए. चलते हैं आगे. तो यहाँ पे दिया है ऑन द नंबर स्लेट. स्लेट तो अभी आपके पास है ही नहीं, लेकिन आपके पास क्या रहते हैं, नोटबुक्स रहते हैं, है ना. तो उसके ऊपर लिखना है राइट 5 नंबर्स, कोई भी 5 नंबर्स लिखने हैं और उन वो नंबर्स इसमें से ही होने चाहिए, 2, 3, 4, 1, 1. बाय चेंजिंग द डिजिट्स, इनको चेंज करना है एक दूसरे से यहाँ पे. तो जैसे ये 4 यहाँ पे आएगा तो 40 हो जाएगा, और ये 1 आएगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा. तो हम कैसे लिखेंगे 23,141. एक नंबर यहाँ पे लिख के देता हूँ, जैसे 2, 3, 141. तो ये जो डिजिट्स दिए हैं इन्हीं को यूज करना है और उसको आगे पीछे चेंज करके आपको कितने नंबर्स लिखने हैं, ऐसे 5 नंबर्स. ओके, कर सकते हो, आसान है ना. तो चलो आगे चलते हैं. यूजिंग ईच डिजिट, यहाँ पे ये वाले डिजिट यूज करने हैं 95,618, ये वाले डिजिट यूज करने हैं, एंड हर कोई एक ही बार करना है, डबल नहीं करना है, ओनली वंस, एंड राइट 6 5 डिजिट नंबर.
तो चलो आपके लिए एक दो हम करके देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ, देखो पहला जो दिया है वैसा दे दो, 9 5 6 1 8। उसके बाद दे दो 9 5 6 1 8 की जगह पे 8 1। इस तरह से इसको चेंज करके आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, राइट द बिगेस्ट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स। तो अभी बिगेस्ट नंबर लिखने के लिए हमें सबसे पहला क्या लिखना पड़ता है, जो नंबर्स दिए हैं उसमें से सबसे बड़ा नंबर। तो इसमें देखो क्या है, 5 1 6 4 7, तो सबसे बड़ा नंबर है 7। फिर उससे छोटा नंबर है 6। फिर उससे छोटा नंबर है 5। फिर है 4 और लास्ट में है 1। तो ये हमारा बन जाएगा बिगेस्ट नंबर। यहाँ पे 6 7 मतलब 76,541। तो ये इस नंबर्स का बिगेस्ट नंबर होगा। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे वो बन जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लिखेंगे वो बन जाएगा बिगेस्ट नंबर। तो देखते हैं इसको, हाँ एक देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, फिर उसके बाद देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलो असेंडिंग ऑर्डर में पहला क्या रहेगा, सबसे छोटा नंबर, तो आएगा 3, फिर 4, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ओके, तो ये हो गया हमारे लिए असेंडिंग। अभी डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा नंबर पहला, तो 9 8 7 4 3। ओके, था आसान। तो ये बन गया असेंडिंग स्मॉलेस्ट नंबर, ये बन गया डिसेंडिंग बिगेस्ट नंबर। तो यहाँ पे देखो उन्होंने कीप द 7 इन द यूनिट्स प्लेस, 7 को कहाँ पे रखना है, यूनिट्स प्लेस पे ही रखना है। एंड यूज ऑल द डिजिट्स टू मेक द 5 नंबर, राइट द नंबर्स। तो आपको अभी वो नंबर्स ढूंढने हैं, तो यूनिट 7 जो रहेगा वो यूनिट्स प्लेस पे ही रहेगा, बाकी नंबर्स किधर भी आगे पीछे कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे हम 2 फिर से करते हैं, 7 लेना नहीं है। तो पहला हम लेंगे 6, फिर 0 5 4 7, तो जो 7 है वो हमेशा उधर ही रहेगा। फिर से 6 0, तो 5 4 को 4 5 करते हैं 7। फिर अभी 6 0 को करने से 6 वही रहेगा, अभी यहाँ पे लिखेंगे 5 4 0 7, 6 4 5 0 7। 4 पहला लिखते हैं, 6 बाद में लिखेंगे, 5 0 7 हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये वाला भी हो गया। 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, राइट 5 नंबर्स कीपिंग द स्मॉलेस्ट ऑफ इन यूनिट्स प्लेस। तो सर यूनिट्स प्लेस पे स्मॉलेस्ट नंबर रखना है, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 1। तो यहाँ पे हमें यूनिट्स प्लेस पे 1 रखना है। जैसे हमने यूनिट्स प्लेस पे ये 7 रखे थे, वैसा ही यूनिट्स प्लेस पे अभी हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिख रहे हैं, मतलब 1 रखना है। तो बाकी इधर के नंबर, ये चारों नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये वाला चेंज नहीं करना है। ओके, तो कर सकते हो आप। एक में हम देते हैं यहाँ पे, चलो 4 4 9 3 5 1। तो ये 1 हमेशा लास्ट में रहेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है वो यूनिट्स प्लेस पे रहना चाहिए। तो बाकी नंबर्स ये चारों नंबर बदल सकते हैं। आशा है कि आप लोग समझ रहोगे, क्योंकि हर एक समझाने के लिए जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक्सपांड द नंबर, नंबर को किस तरह से एक्सपांड करते हैं, यह हमीद और इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन दिया है। तो एक्सपांड नंबर करने के लिए एकदम बहुत आसान है, बहुत मतलब हम अब लोगों को हम बता दे। देखो यहाँ पे ये एग्जांपल करके दिया है, देखो 23,375, तो उसका ये एक्सपांड यहाँ पे करके दिया है। तो मैं यहाँ पे तो आप लोगों को एकदम आसान टेक्निक बताता हूँ। जैसे ये हम 6th1 लेते हैं, 6th1 कौन सा है, 78,999। तो इसको हमें किस में लिखना है, एक्सपांड में। तो पहला 7 लिखना है, थोड़ी सी जगह छोड़ो प्लस लिखो, फिर 8 लिखना है, थोड़ी सी जगह छोड़ो फिर से प्लस लिखो, फिर 9 थोड़ी सी जगह और छोड़ो, फिर से 9 लिखो, थोड़ी सी जगह और छोड़ो, प्लस देके फिर से 9 लिखो। तो अभी ये इतने नंबर्स थे, देखो 1 2 3 4 5 डिजिट्स। तो ये सभी के सभी हमारे भी होने चाहिए। हमने देखो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस का लिखा, यहाँ पे टेंस प्लेस का, यहाँ पे 100 प्लेस का, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 10,000। तो बस यूनिट प्लेस के आगे हमें यूनिट के आगे 0 नहीं रहता है, टेंस के आगे 0 है, 100 के आगे 2 0, 1000 के आगे 3 0 और 10,000 के आगे 4 0। ये हो गया हमारा एक्सपांड फॉर्म, है आसान, बहुत ही करेक्ट। आप लोगों को जगह छोड़नी है और उस तरह से लिखना है।
समझ में आया? पहला यूनिट्स का नंबर लिखना है, टेंस का नंबर लिखना है, हंड्रेड का लिखना है, थाउजेंड का लिखना है और टेन थाउजेंड का। और फिर टेंस के यहाँ पे एक जीरो, हंड्रेड के यहाँ पे दो जीरो, थाउजेंड के यहाँ पे तीन जीरो और टेन थाउजेंड के यहाँ पे चार जीरो होगा एक्सपांड फॉर्म। तो सभी इसी तरह करने, आपको जो नंबर रहेगा वो पहला लिख के लेना है और एक एक जीरो ऐड करते जाना है। क्लियर कर सकते हो? एक और देना चाहिए आपको। चलो ये 70,000 का एक देते हैं। 70 का 7 लिखा, फिर जगह छोड़ी, फिर हमने 0 लिखा, फिर जगह छोड़ी, फिर 4 लिखा, फिर जगह छोड़ी, फिर 9 लिखा, फिर जगह छोड़ी और 5 लिखा। तो ये जितने नंबर दिए रहते हैं वो लिखने हैं। यूनिट प्लेस के आगे कुछ नहीं, टेंस के आगे एक जीरो, फिर हंड्रेड के आगे दो जीरो, अभी थाउजेंड के आगे यहाँ पे देखो जीरो है, तो जीरो के आगे जीरो देने की जरूरत नहीं। फिर तो यहाँ पे तीन जीरो आने वाले थे तो हमने नहीं दिए, फिर यहाँ पे कितने जीरो आएंगे? फोर जीरो। तो बस ये हो गया इसका एक्सपांड फॉर्म। कितना आसान है ना? यहाँ पे चार जीरो, यहाँ पे तीन जीरो, लेकिन जीरो था इसीलिए नहीं दिया, फिर दो जीरो, एक जीरो और नंबर। ये हो गया इसका एक्सपांड फॉर्म 70,495। चलते आगे। ओके भाभी, चलो फटाफट फटाफट खत्म करते हैं। यहाँ पे दिया है राइट द नंबर्स फ्रॉम देयर एक्सपांडेड फॉर्म, मतलब एक्सपांड फॉर्म में दिया है तो उनको हमें नंबर्स में लिखना है। ये तो बहुत ही आसान, जीरो है वो निकाल के रखने हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 10,000, फिर 5,000, तो यहाँ पे 10,000 का 10 का 1 और 5,000 का 5। अभी डायरेक्ट वहाँ पे 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं तो उसका जीरो, टेंस प्लेस पे कुछ भी नहीं उसका जीरो और 1 तो 1 दिया है, तो ये आ गया उसका इस तरह से आंसर 15,001। समझ में आया? तो जो जो नंबर दिए रहेंगे, यहाँ पे यूनिट्स दिया है, टेंस दिया है, 100 दिया है, 1000 दिया है, तो यहाँ पे सभी के सभी नंबर है, तो ये एकदम परफेक्ट आएगा, मतलब 4513, क्योंकि ये सभी नंबर्स दिए 10, 20, 30, करेक्ट। तो इस तरह से अगर पूरे नंबर दिए रहेंगे तो मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे नंबर्स नहीं दिए रहते, जैसे जैसे यहाँ पे देखो फिर से दिया है 90,000 और उसके बाद दिया है डायरेक्ट 90 और फिर 2, तो अभी इसका मतलब हमें 100 प्लेस का नंबर नहीं है, 1000 प्लेस का नंबर नहीं है, तो दो नंबर के आगे हम क्या करेंगे? जीरो लिखेंगे। तो 90,000, 10,000 के यहाँ पे हमने दिया 9, फिर 1000 के यहाँ पे कुछ भी नहीं उसका जीरो, 100 के यहाँ पे कुछ भी नहीं उसका जीरो, फिर 10 के यहाँ पे है 90 तो 9 और 2 के यहाँ पे यूनिट का है 2, तो ये बन गया 90,092। चलो ये भी करके देखते हैं 20,345, ये भी करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखने के लिए आसान है 7,100 के यहाँ पे कुछ भी नहीं 83 है आसान। ओके, तो जितने नंबर लास्ट में रहेंगे ना यहाँ पे, उतने नंबर का डिजिट्स का ये नंबर होना चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब यह हमारा नंबर भी 4 डिजिट का होना चाहिए, तो वो भी आपको कैलकुलेशन के लिए समझ में आना चाहिए। भले यहाँ पे उन्होंने 3 ही नंबर दिए लेकिन हमारा नंबर जो रहेगा 4 डिजिट का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 7,000 दिया है, तो ये 4 डिजिट का नंबर है, मतलब हमारा ये जो नंबर आएगा वो भी 4 डिजिट्स का होगा। चलो चलते हैं आगे। अभी यहाँ पे फिर से एग्जांपल्स दिए, देखो सम डिजिट्स एंड देयर प्लेसेस इन द नंबर्स आर गिवन बिलो, राइट डाउन द नंबर दे मेक्स। तो आपको नंबर्स बनाना है, तो यहाँ पे उन्होंने 7 यूनिट, तो यूनिट के आगे 7, फिर 2 टेंस, तो 2 टेंस, फिर ये जो दिया है 10,000 के यहाँ पे 5 नंबर है 10,000, तो 10,000 के यहाँ पे हम 5 दे देंगे और 1000 के यहाँ पे 9, लेकिन यहाँ पे देखो 100 के यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 100 के यहाँ पे हम क्या दे देंगे? 0, तो ये बन जाएगा 59,027। तो ऐसे देखना है आपको, यहाँ पे 100 दिया है, 1000 दिया है, 10 दिया है और 10,000 दिया है, तो 10,000 के यहाँ पे 1, अभी 1000 दिया है क्या? है, तो यहाँ पे 4 आया, 100 दिया है, दिया है, टेंस दिया है, दिया है, यूनिट दिया है नहीं, तो जो नहीं दिया है वो हमारे लिए जीरो होगा। क्लियर? तो ये क्या आएगा? 14,350। उसी प्रकार ये भी होगा, तो ये 70,000, क्योंकि ये TTH मतलब 10,000 है, उसके बाद 1000 का है 8, उसके बाद टेंस, इसका मतलब 100 का नहीं है, टेंस का है 5 और यूनिट्स का नहीं है 0। चलो फटाफट करते हैं, यहाँ पे
70,000 दिया है, 5,000 का 5, 100 भी दिया है 3, टेंस भी दिया है 2 और यूनिट भी दिया है 4। तो ये परफेक्ट नंबर आ गया क्योंकि ये सभी नंबर दिए, 75,324। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसी को कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब जो नंबर जहां पे रहेगा। अभी ये नंबर यूनिट्स प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू हो गई 4, ये नंबर टेंस प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू हो गई 20, ये नंबर 100 पे है तो इसकी वैल्यू हो गई 300, 5 पे है 1000 तो 5000 और 10000 पे है 7 तो 70000। ओके, तो चलो देखते हैं अपना प्लेस वैल्यू। ये यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया है, आप लोग पढ़ना जरूर, ये किस तरह से होता है वो बताया। हम लोग चलते हैं डायरेक्टली नंबर पे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। तो प्लेस वैल्यू मतलब वही होता है जो हमारे लिए एक्सपांड फॉर्म होता है वो, करेक्ट। तो जैसे हम चलो ये वाला नंबर लेते हैं, तो इसको इस तरह से लिखना है। पहला नंबर है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 7, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 5 और ये वाला हम समझा रहे हैं ये वाला, और लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट्स प्लेस है तो 9। ये टेंस प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 50। ये 100 प्लेस पे है तो 100 के यहाँ पे 2 जीरो आते हैं, पता है ना, हमने एक्सपांड फॉर्म में देखा था, तो ये 800। फिर ये 7 के यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू है 7000, 30। और ये 10000 प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू रहेगी 20000 क्योंकि इसके आगे आएंगे 40। ओके, तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो जो हमने एक्सपांड फॉर्म में देखा था वही है, अभी ये जो बन जाएगी हर एक प्लेस की वैल्यू। क्लियर? तो इस तरह से ये एक्टिविटी करके देखो, आपको सीखने के लिए भी मजा आएगा। अलग अलग नंबर्स के लिए करो। चलते हैं आगे। डिफरेंट ब्रेक्स एंड ऑफ अ नंबर। तो नंबर्स के अलग अलग ब्रेक्स क्या है ये सब दिया गया। हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे चलते हैं। वर्कआउट एंड राइट द डिफरेंट ब्रेक्स ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। तो नंबर्स के ब्रेक्स देने हैं यहाँ पे 679। तो इसको अगर ब्रेक करना है तो अगर 100 रुपीज के है नोट्स हमारे लिए तो 100 रुपीज के कितने बन जाएंगे, 6। फिर 10 रुपीज के है नोट्स तो वो बन जाएंगे 7 और 1 रुपी का कॉइन है तो वो बन जाएंगे 9। तो इस तरह से इसको हम ब्रेक आउट कर सकते हैं या ब्रेकअप कर सकते हैं। 6745, तो 6000 के अगर 500 के है तो 500 के हमें 12 5 60, तो ये 6000 हो गए। फिर 100 के 7, फिर 40 है तो 10 रुपीज के 4 और 5 रुपी का कॉइन है तो वो 1 कॉइन, या 1 रुपी के है तो 5 कॉइन, उल्टा करना। तो इस तरह से इसको बोलते हैं ब्रेकअप्स, मतलब जो वैल्यू दिया रहेगा उसको आपको